दोस्तों, और ये सारे रूल्स आप फॉलो करते हो दोस्तों, तो आप लोग 95% दोस्तों मार्क्स आसानी से ला सकते हो बोर्ड एग्जाम 2024 क्लास 10th हिंदी। सबसे पहले क्या तैयार करना है आप लोग को, जो आप लोग का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको आप लोग तैयार करना है, क्योंकि 20 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव आप लोग के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फंसेंगे ही फंसेंगे। अगर दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखे होंगे तो आप लोग को सारा कुछ कंफर्म हो गया होगा कि कौन कौन से मुझे तैयार करके जाने हैं आप लोग उसको। तो दोस्तों हाय एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल अभिजीत लेक्चरर। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्लास 10th हिंदी 2024 बोर्ड एग्जाम में दोस्तों ऐसे क्वेश्चन बता दूंगा दोस्तों, अगर इसको आप लोग तैयार कर लेते हो तो आप लोग का एक मार्क्स इधर उधर नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। और आज के इस वीडियो में आप लोग को बेसिक टू एडवांस बता दूंगा दोस्तों, आप लोग का एक मार्क्स इधर उधर नहीं जाएगा, सारा क्वेश्चन फंसेगा ही फंसेगा, ठीक है दोस्तों। दोस्तों अगर आप भी क्लास 10th में और हिंदी में 2024 बोर्ड एग्जाम का पेपर देने वाले दोस्तों, तो आज के इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक जरूर देखिएगा, ठीक है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों आपके पास ये लास्ट मौका है, क्योंकि समय बहुत ही कम है दोस्तों, समय बहुत ही कम है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, केवल 1 से 2 महीने बचे हैं, इसलिए दोस्तों आपके पास ये लास्ट मौका है, क्योंकि अब आप लोगों को समय नहीं मिलेगा, ठीक है। और कमजोर छात्र आज के इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें दोस्तों, क्योंकि कमजोर छात्र अगर देख लेते हैं तो अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अगर आप लोग कुछ मेहनत कर लेते हो तो 95% मार्क्स दोस्तों आप लोग का पक्का आएगा दोस्तों आज के इस वीडियो को देखने के बाद, ठीक है। अगर आप लोग थोड़ी बेहतरीन ढंग से पढ़ाई करते हो तो आप लोग टॉपर ही बन सकते हो, टॉपर आप ही होगे बोर्ड एग्जाम 2024 का, ठीक है दोस्तों। कैसे कौन से आप लोग का ट्रिक है और कौन से आपको जो चीज़ें हैं याद करके ही जाने है, ताकि आप लोग अच्छे मार्क्स ला सको क्लास 10th हिंदी में दोस्तों, आज की इस वीडियो में बताएंगे, ठीक है। देखिए दोस्तों सबसे पहले समझिए, देखो सबसे पहले क्या आप लोग को तैयार करना है, देखिए सबसे पहले क्या तैयार करना है आप लोग को, जो आप लोग का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको आप लोग तैयार करना है, क्योंकि 20 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव आप लोग के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फंसेंगे ही फंसेंगे। 20 मार्क्स के आप जो कि 20 मार्क्स के 20 बहुविकल्पी प्रश्न यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग के बोर्ड एग्जाम क्लास 10th में हिंदी में आएंगे, ठीक है। तो 5 मार्क्स कहाँ से आएंगे, गद्यांश से, जो आप लोग का गद्य पाठ है, गद्य पाठ से आप लोग का 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तैयार कर लीजिएगा। कैसे तैयार करेंगे, डेली अगर आप लोग दो भी तैयार करते हैं दोस्तों तो आप लोग 30 दिनों में 60 कम से कम आप लोग तैयार कर लोगे, और 60 फंसेगा ही फंसेगा, ठीक है। और पद्यांश का भी आप लोग, पद का भी आप लोग कितना तैयार करेंगे दोस्तों, 5 आएगा, डेली 2 तैयार कीजिए आप लोग का हो जाएगा, ठीक है। और व्याकरण से आप लोग का 10 मार्क्स आएगा, 20 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन केवल आप लोग 3 चैप्टर से आप लोग खत्म कर सकते हो, गद्य से, पद से और व्याकरण से, ठीक है। तो तैयारी कीजिए, समय बहुत ही कम है, आप लोग को अच्छे मार्क्स लाने हैं, और आपको हम लोग बेस्ट से बेस्ट कंटेंट देंगे, उसको आप लोग तैयारी कीजिए, ठीक है। देखिए दोस्तों सबसे पहले आप लोग समझिए, अब देखिए दोस्तों महत्वपूर्ण जीवन परिचय, ये जीवन परिचय आप लोग बताऊंगा, इसको तैयार कर लीजिए, आप लोग का 10 मार्क्स यहाँ से कन्फर्म हो जाएगा, ठीक है। से आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय आप लोग तैयार कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जयशंकर प्रसाद जी का भी उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो जयशंकर प्रसाद जी का और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का आप लोग लेखक से तैयार कर लेंगे, ठीक है। तो 5 मार्क्स आप लोग यहाँ से कन्फर्म कर लेंगे दोस्तों, और 5 मार्क्स कहाँ से, सूरदास जी का, तुलसीदास जी का और महादेव वर्मा जी का 5 मार्क्स आप लोग यहाँ से कन्फर्म कर लेंगे दोस्तों। यहाँ से आप लोग 10 मार्क्स पूरा कन्फर्म कर लेंगे दोस्तों, क्योंकि इससे बाहर आप लोग का एक भी नहीं आएगा, सारा क्वेश्चन इसमें से ही आएगा, एक भी मार्क्स इधर उधर नहीं होगा, ठीक है। तो महत्वपूर्ण जीवन परिचय 10 मार्क्स आप लोग यहाँ से कंफर्म कीजिए, अच्छे मार्क्स लाएंगे, ठीक है। अब देखिए कौन कौन से आप लोग चीज़ तैयार करना है, देखिए दोस्तों गद्यांश के लिए महत्वपूर्ण पाठ, गद्यांश के लिए महत्वपूर्ण पाठ कौन कौन से हैं, मित्रता है, ममता है, ठीक है। केवल 2 ही पाठ है जो आप लोग खत्म कर लेंगे आसानी से, एक दिन में एक करेंगे तो 2 दिन में सारा आप लोग का खत्म हो जाएगा, ठीक है, गद्यांश आप लोग का पूरा खत्म हो जाएगा। तो 6 मार्क्स आप लोग यहाँ से कन्फर्म कर सकते हैं दोस्तों, केवल मित्रता से और ममता चैप्टर अगर आप लोग तैयार कर लेते हो दोस्तों तो, ठीक है। तो गद्यांश आप लोग समझ लीजिए, गद्यांश में क्या क्या पढ़ना है आप लोग को, ठीक है दोस्तों। अब देखिए आगे क्या है, आगे आप लोग का दोस्तों यही है कि देखिए पद्यांश आप लोग का है, गद्यांश खत्म हुआ, पद्यांश में 3 चैप्टर पढ़ना है, क्योंकि ज़्यादा चैप्टर हैं पद्यांश में, तो कौन कौन से हैं, पद आप लोग को पद चैप्टर आप लोग बढ़िया से तैयार कीजिए, पद चैप्टर से आप लोग का आता है, ठीक है। और धनुष भंग वन पथ पर दोस्तों आप लोग उसको तैयार कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आप लोग का पद्यांश का, ठीक है। और भक्ति नीति भी तैयार कर लीजिएगा, ये 3 चैप्टर अगर आप लोग खत्म कर लेते हो तो आप लोग यहाँ से 6 में पूरा कन्फर्म कर लोगे, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप लोग गद्यांश और पद्यांश से 12 नंबर बिल्कुल कन्फर्म कर लेंगे, 5 चैप्टर अगर पढ़ लेते हो दोस्तों तो, ठीक है। अब देखिए आगे आप लोग कौन कौन से तैयार करना है, देखिए दोस्तों बताएंगे आप लोग को, आगे आप लोग का महत्वपूर्ण संस्कृत का आप लोग का पाठ आ गया, ठीक है। 2024 बोर्ड एग्जाम का महत्वपूर्ण संस्कृत का पाठ कौन 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 से हैं, अगर ये 4 पाठ आप लोग तैयार करते हो तो आप लोग 5, 5, 10 मार्क्स पूरा कन्फर्म कर लोगे यहाँ से। कौन कौन से, वाराणसी चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चन आप लोग के बोर्ड एग्जाम में आएंगे, और ये आता ही आता है वाराणसी चैप्टर से, ठीक है। और वीर वीरते पूजते आप लोग तैयार कर लीजिएगा, भारतीय संस्कृति तैयार कर लीजिएगा, और आप लोग प्रबुद्धो ग्रामीण आप लोग तैयार कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आप लोग का। ये 4 चैप्टर आप लोग तैयार कीजिए, आप लोग 10 नंबर बिल्कुल कन्फर्म कर लेंगे दोस्तों इस सेक्शन से, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बता रहे हैं, कि आपको बेसिक बताएंगे जो तैयार करके ही बोर्ड एग्जाम जाने हैं और आएंगे ही आएंगे, वही बता रहे हैं आप लोग को, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्या है दोस्तों, नेक्स्ट आप लोग आता है महत्वपूर्ण निबंध, निबंध आप लोग शेयर में बिल्कुल कन्फर्म कर लेंगे दोस्तों निबंध चैप्टर से। तो कौन कौन से निबंध है दोस्तों, पर्यावरण प्रदूषण पर आप लोग एक निबंध तैयार कर लीजिएगा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर तैयार कर लीजिएगा, विज्ञान वरदान या अभिशाप पर, और चंद्रयान 3 आप लोग का लेटेस्ट है दोस्तों, लेटेस्ट न्यूज़ है और सफलतापूर्वक हुआ था दोस्तों, इसलिए चंद्रयान 3 पर 100% आएगा दोस्तों। जैसे कोरोना वायरस का था तो आया ही आया था,
चंद्रयान 3 पर भी आएगा ही आएगा, ठीक है। और आतंकवाद पर आप लोग तैयार कर लीजिएगा, आतंकवाद बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये पर्यावरण प्रदूषण, ये तो आप लोगों को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग को सीएम में बिल्कुल कन्फर्म करना है दोस्तों आप लोग का निबंध से, तो ये पांचों आप लोग तैयार कर लीजिएगा, इससे बाहर से भी एक भी नहीं आएगा, सारा इसमें फंसेगा, ठीक है। ठीक है, तो सीएम आप लोग यहाँ से कन्फर्म कर सकते हैं 2024 बोर्ड एग्जाम का इंपॉर्टेंट निबंध, ठीक है। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट्स है जिसको आप लोग तैयार करना है, बता देना आप लोग को। देखिए दोस्तों अब आप लोग का पत्र लेखन आता है, तो पत्र लेखन आप लोग तैयार कर लीजिएगा, 4 मार्क्स कंफर्म आप लोग का हो जाएगा दोस्तों। और कोई भी एक श्लोक जो इस प्रश्न पत्र में ना आया वो 2 नंबर बिल्कुल कंफर्म कर लेंगे श्लोक लिखकर। खंडकाव्य अलग अलग जिले का अलग खंडकाव्य आता है, तो अपने टीचर से पूछिए कि मुझे कौन सा खंडकाव्य तैयार करके जाना है जो कि आता है, ठीक है, वो बता देंगे आप लोग को। तो 3 नंबर बिल्कुल यहाँ से कन्फर्म कर सकते हैं, तो आप लोग का 3, 2, 5 और 9 नंबर बिल्कुल कन्फर्म कर सकते हैं दोस्तों इन तीनों सेक्शन से। और कैसे आप लोग को बोर्ड एग्जाम की तैयारी करनी है क्लास 10 हिंदी की, देखिए दोस्तों इस प्रकार से आप लोग करनी है। कैसे करनी है, जो आप लोग का हिंदी चैप्टर है आप लोग का बोर्ड एग्जाम का, उसका पिछले 3 साल का मॉडल पेपर उठा के देखिए कि कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और आएंगे ही आएंगे। अनसॉल्व जितने भी है सारे तैयार करते रहिए, क्योंकि अनसॉल्व बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और डेली दोस्तों आप लोग को सेल्फ स्टडी करनी होगी, क्योंकि बिना सेल्फ स्टडी से आप लोग टॉपर नहीं बन जाओगे, सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी। और मॉडल पेपर को आप लोग तैयार कीजिए, मॉडल पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नोट्स बनाइए उसका दोस्तों। और डेली आप लोग कम से कम 1 घंटा देना ही होगा, अगर आप लोग को हिंदी में अच्छे मार्क्स लाने हैं तो डेली में आप लोग को 1 घंटा देना ही होगा दोस्तों। और ये सारे रूल्स आप लोग फॉलो करते हो दोस्तों, तो आप लोग 95% दोस्तों मार्क्स आसानी से ला सकते हो बोर्ड एग्जाम 2024 क्लास 10th हिंदी में, ठीक है दोस्तों। आप लोग को इस प्रकार से पढ़ाई कीजिए, आप लोग बेसिक टू एडवांस 100% आप ही सफल होंगे और आप भी अच्छे मार्क्स लाएंगे बोर्ड एग्जाम में, ठीक है दोस्तों। अगर दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखे होंगे तो आप लोग को सारा कुछ कंफर्म हो गया होगा कि कौन कौन से मुझे तैयार करके जाने हैं, आप लोग उसको तैयार करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इसी प्रकार से मैं आप लोग को सारा जैसे आप लोग आज हिंदी को गया तो कल मैथ का आएगा, परसों साइंस का आएगा, इसी प्रकार से मैं आप लोग को पूरा क्लास 10 का पूरा सब्जेक्ट खत्म कर दूंगा, ठीक है दोस्तों। तो तैयारी कीजिए और अच्छे मार्क्स लाइए। तो दोस्तों आई होप कि आप लोग को वीडियो पसंद आएगी, वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।